वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट के तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई हुई है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट ecourt.gov.in यानी पटना सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन क्या जारी हुई है, स्टोनोग्राफर क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। आप लोग कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ये सारी डिटेल आउट कर दी गई है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अभी निकल कर आ चुकी है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, संयोजक केंद्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना का कार्यालय। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टोनोग्राफर कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक चपरासी अर्दली, ठीक है, क्लर्क सहित ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। लगभग 7000 प्लस ये वैकेंसियाँ रहेंगी। क्लर्क का आप देख पा रहे हैं 3325 रखी गई है, स्टोनोग्राफर का 1582 है, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक का 1132 है और चपरासी यानी अर्दली के 1673 है। यहाँ पर रोजगार सूचना संख्या भी देख पा रहे हैं यानी कि एडवाइजमेंट नंबर। बंपर वैकेंसी रहेगी बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रतिनिधि स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत, ठीक है। समूह गा के लिए वैकेंसियां यहां पर जारी की जा रही है। आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये जो वेबसाइट है जो अभी हमने आपको दिखाया district.ecourt.gov.in पटना, ये वेबसाइट से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। आप देख पा रहे हैं कि 16/9/2022 या उससे पहले उपलब्ध रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/2022 से 20/10/2022 रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 16/9/2022 या उससे पहले आपको क्या है कि ecourt के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फुल्ली एडवाइजमेंट जारी होकर आ जाएगा। अभी ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको बस इतनी ही नोटिस देखने को मिलेगी। एंड ऑनलाइन अप्लाई आपका 20/9/2022 से 20/10/2022 रात्रि 11:59 तक आप लोगों से लिया जाएगा। जी हाँ, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए अभी फुली नोटिफिकेशन यानी फुल विज्ञापन निकल कर नहीं आया हुआ है, वहाँ पर जैसे निकल के आएगा सभी के क्वालिफिकेशन के बारे में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जैसे चपरासी अर्दली है इसकी 10वीं पास क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, साथ में यहाँ पर क्लर्क का है तो आपसे क्लर्क का 12वीं पास प्लस आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यानी कंप्यूटर नॉलेज, आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है, यानी क्लर्क के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी। टाइपिंग वालों के लिए बेस्ट नौकरी निकल कर आ चुकी है, और जो लोग इंतजार कर रहे थे सिविल कोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका यहाँ पर आ गया। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता था कि इस साल बम्पर वैकेंसियाँ आएंगी, साल के अंत अंत पहले पहले बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, क्योंकि 2 वर्ष बच्चे हैं आपके बिहार में चुनाव में, तो फिर लास्ट में फिर चुनाव में अटक जाता, फिर वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं नहीं, तो इसी उस साल बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्टोनोग्राफर का, तो आपको पता है आई होप स्टोनोग्राफर के लिए 12वीं पास प्लस स्टोनोग्राफी टेस्ट आपको आना चाहिए। कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक का देखिए, इसका भी क्लियर हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसका फुल एडवाइजमेंट जारी होने पर आपको फुली क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिटेल आपको दे देंगे। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करें कि ऑनलाइन पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज एंड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, तो आप ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है, यहीं पर आपको वो भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ में हमारी वेबसाइट है ecourt.com, वहाँ पर बहुत ही जल्द सिविल कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।